नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बांका जिला अंतर्गत धोरैया विधानसभा के वर्तमान राजद के विधायक भूदेव चौधरी की विधायकी अब समाप्त होने के कगार पर है। मैं बताऊं आपको विस्तार से कि भूदेव चौधरी पूर्व में कई दफे विधायक रह चुके हैं और जमुई के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने राजद के टिकट पर इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव जीता धोरैया से, और धोरैया के रहने वाले भी हैं। भूदेव चौधरी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो भागलपुर में लंबित आपराधिक मामले को छिपाया है और उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है पूर्व विधायक मनीष कुमार के तरफ से, और उसमें वर्णित किया गया है कि भागलपुर में एक आपराधिक मामला भूदेव चौधरी पर चल रहा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया, छिपाया गया है। और भूदेव चौधरी ने चुनाव में जब नामांकन पत्र भरा तो उसमें अंकित नहीं किया कि उन पर भागलपुर में आपराधिक मामला चल रहा है। भूदेव चौधरी के खिलाफ यह आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस आवेदन को स्वीकार किया और रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभाओं को नोटिस भेजा कि अब इसका जवाब दें। भूदेव चौधरी सहित रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि भूदेव चौधरी को नोटिस देने के लिए जब गया तो वहां किसी ने रिसीव नहीं किया। भूदेव चौधरी से के पक्ष को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह मिस्टेक है, इस मिस्टेक के कारण कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, यह छूट गया होगा और छूटने के कारण यह भूल बस ऐसा हुआ है, भरने वाले भर नहीं पाए, वर्णन कर नहीं पाए, इसलिए इसका जवाब कोर्ट को दिया जाएगा। पूर्व विधायक मनीष कुमार ने आरोप लगाया और विधायकी समाप्त हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और नोटिस भेजा है। अब इस पर अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होने के बाद क्या कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है वक्त रहते ही पता चल पाएगा। मैं बताऊं आपको कि बिहार में कई ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले लंबित हैं और कई विधायकों ने ऐसा गलती किया, छिपाया है, और चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि जो भी मामले चल रहे हैं उस मामले को वर्णित किया जाए, लेकिन भूदेव चौधरी जो धोरैया बांका के विधायक हैं उसने छिपाया और पूर्व विधायक मनीष कुमार ने इसे उजागर करके कोर्ट में आवेदन दिया और नोटिस दी गई है। अब देखना है कि इस मामले में क्या सुनवाई होती है और क्या जवाब भूदेव चौधरी देते हैं और कोर्ट के द्वारा क्या विधायकी समाप्त करने का आदेश निर्गत किया जाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।